मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नगरपालिका परिषद की नवनिर्वाचित चेयरमैन पुष्पा देवी व सभासदों ने ली शपथ। आपको बता दें, एसडीएम सुनीता सिंह ने नवनिर्वाचित चेयरमैन व सभासदों को शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित चेयरमैन व सभासदों ने विधि द्वारा संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने के साथ साथ कर्तव्यों को निष्पक्ष पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करने की शपथ ली। शपथ लेने के दौरान तालियों से नवनिर्वाचित चेयरमैन व सभासदों का स्वागत किया गया। शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित बसपा चेयरमैन पुष्पा देवी ने तहसील चौराहे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला व फूल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए। चेयरमैन पुष्पा देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी नगर का विकास कराना, जिसके लिए हर संभव प्रयास रहेगा। जनता ने जो हम पर भरोसा किया है, उस पर हम खरे उतरेंगे। जनता हापुड़ को चमकाएंगे और जो कर्जा आया उस पर उसको जांच कराएंगे, उसकी अगाड़े को जांच करा कर जब अगाड़े को होएगा पेमेंट करेंगे। सरकार से हम जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ से पैसा लाने की कोशिश करेंगे और जो ठेकेदारों की पेमेंट है पहले उनकी जांच कराई जाएगी सब चीज़ की, उसके बाद भुगतान करेंगे और सहज पहले शहर का विकास करेंगे, सब समाज का विकास करेंगे, सब में काम करेंगे। जातिवाद पे हम राजनीति नहीं करेंगे। क्या करें, जो भी जिसकी समस्या वो तुरंत होगी।